खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं हूं अमीषा पटेल और आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। आइए देखते हैं लखीमपुर खीरी से जर्रार खान की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फिर बोला बीजेपी पर हमला। लखीमपुर खीरी पलिया कला में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित विशाल जनसभा संपन्न हुई, जिसमें भारी भीड़ देख स्थानीय नेताओं में खलबली मचना तय है। आपको बता दें, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग दिव्यांगजन ओम प्रकाश राजभर, जो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी आए दिन भाजपा पर हमला बोलते रहते हैं, इसी क्रम में बनाए रखते हुए वे आज भी प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोले। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नारा है, गुलामी छोड़ो समाज जोड़ो। उसी कड़ी में मैं अर्कवंशी समाज से आता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अर्कवंशी समाज की कितनी दशा बिगड़ी हुई है और साथ में हमारे पिछड़ी जातियों की किस तरीके की दशा बिगड़ी हुई है। लगातार 4 से 5 महीने इसी तरीके के कार्यक्रम हम हरदोई से शुरू किए थे। एक मसीहा जिस तरीके से हमको मिला, उसके बाद हम लोगों ने संडीला सीतापुर भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित जनसभा की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय मानेंगे, जिस दिन तुम अमीरों की बात करना शुरू कर दोगे उसी दिन तेरी बात मानना हम बंद कर देंगे। ये भोलेनाथ जी कहते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि कैसे बतियाते हैं। 16 साल हो गया मुझे और 16 साल में उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के किसी कोने में कार्यक्रम किया हूं। बहुत से विघ्न आए, हमारे नेता डगमगाने लगते हैं, लेकिन हम उनसे कहते हैं घबराओ नहीं, जब मैं पहुंचूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। आप बताओ, आप तो ठंडक नहीं लग रही है ना? बोलो कितने लोगों को ठंडक नहीं लग रही है, जरा हाथ उठाओ। ठंडक नहीं लग रही है। आप देखो, आप लोगों फोटो आएगा, भोलेनाथ जी ने हमको भेजा है आपके बीच में और आपके आपका इस पे क्या कहना होगा? आप पत्रकारों को कैसे सुरक्षित रख पाओगे और सरकारों के अलग? हमारी पार्टी का मानना है पत्रकार आयोग का गठन हो जी, तब पत्रकारों का हित हो सकता है। और इस तरह की बातें अगर हुई हैं तो आप हमको दीजिए, हम उसकी जांच कराते हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं।